हेलो फ्रेंड, एक नया सेट लेकर उपस्थित है आप लोग बीच। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, आप लोग को अगर अच्छी तरह से तैयारी करना है तो ये वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लेना है। चलिए शुरू है आप लोग बीच। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? देखिए, कौन सा मुद्दे जो है वो अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द कर दिए गए थे? तो देखिए, ये जो है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द कर दिए गए थे। ये VVI इम्पोर्टेंट, रेलवे का VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संघ जो चोखाम्पा के जन्मदिन का प्रतीक है? देखिए, जो चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है गलदान नामचोट। गलदान नामचोट जो है वो प्रसिद्ध बौद्ध संत जो चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है। भारत में किस प्रकार के वन का वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल के लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्तियां गिराते हैं? देखिए, 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्तियां गिराते हैं उष्णकटिबंध पर्णपाती वन जो है, इसमें 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्तियां गिराती हैं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन की, हिंदू की, पारसी की या बौद्ध की? तो देखिए, त्रिपिटक आप लोग को याद रखना चाहिए कि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? देखिए, धम्म का मूल संदेश क्या है? इस उत्तर होगा इनमें से सभी, राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा और बड़ों का सम्मान, ये सभी अशोक के धम्म से संबंधित है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? देखिए, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उत्तर होगा मेगा स्निच के पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज का उल्लेख किया गया है। फाहियान जो है वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जो फाहियान, देखिए, 399 से 414 ईस्वी तक, देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चोल काल का सबसे प्रसिद्ध क्या था? देखिए, चोल काल का सबसे प्रसिद्ध क्या था? तो चोल काल में सबसे प्रसिद्ध इनमें से सभी था। देखिए, ग्राम पंचायत भी था, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध भी था और श्रीलंका के साथ व्यापार भी था। तो चोल काल में सबसे प्रसिद्ध इनमें से सभी था। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? उत्तर होगा आकर्षक द्वार गोपुरम कहा जाता था। इस वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य, देखिए, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था। तो इसका अवशेष जो है वो हम्पी में मिलता है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को, सजाओं को ईश्वरीय सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? देखिए, ईश्वरीय सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादित करने वाला था वो था बलबन। बलबन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया था? देखिए, कागज का प्रयोग जो है वो कब से प्रारंभ किया गया था? उत्तर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में भारत में कागज का प्रयोग आरंभ किया गया था। लेकिन ये भी सवाल आ सकता है आप लोग को कि कागज का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने आरंभ किया? तो वो चीन देश ने सबसे पहले आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुए?
देखिए यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, यह क्वेश्चन आप लोग को VVI इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसका जो उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकार जो था वो अकबर के दरबार में आया था। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। देखिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, देखिए प्रोफेसर PC महलनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, देखिए सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा। तो देखिए ये जो आप लोग का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर को देसी रियासत में नहीं मिलाया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, देखिए गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, उत्तर जो हो जाएगा इनमें से सभी, नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, सभी जो है वो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था। भारत में दालों का उत्पादक और दालों का उपभोक्ता है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। देखिए भारत दालों का देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो दाल सबसे ज़्यादा उपजाता भी है और दाल सबसे ज़्यादा खा भी जाता है, तो भारत इसमें आप लोग को ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, देखिए भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, इसका जो सही जवाब होगा स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध है, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की गठन कब हुआ था, देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की गठन 1929 ईस्वी में हुआ था, जो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की गठन हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, देखिए इसका जो उत्तर होगा अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, कौन सा कार्य जो है जो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उत्तर जो हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, देखिए पंचायती राज प्रणाली जो है वो राज सूची के अंतर्गत आता है। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, ये गुप्त वंश के शासक ने इसका लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है, देखिए धन विधेयक पेश किया जा सकता है, उत्तर जो हो जाएगा केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है, देखिए न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है।
भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है, यानी आप लोगों को देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। तो आप लोग देखकर भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन से कोई विशेषता नहीं ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति का उम्र क्या होती है, देखिए इसका जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वो यहाँ पर उम्र होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, देखिए इसका जो उत्तर होगा मंत्रिमंडल सचिव उच्चतम सेवा अधिकारी होता है। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है, देखिए इरडा जो है वो बीमा क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है। भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है, देखिए कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, जिसको नाबार्ड भी कहा जाता है, कृषि के लिए बैंक है। दिनार किस देश की मुद्रा है, दिनार जो है देखिए इराक देश की मुद्रा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिनार इराक देश की मुद्रा है। कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, देखिए कालिदास सम्मान जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था, इसको भी आप लोग को याद रखना है, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा 1980 से दिया जाता है। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था, किस वर्ष, देखिए ये भी आप लोग को याद रखना है, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में सिक्किम 22वां राज्य बना था। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ, देखिए अर्थ शोधन अधिनियम कब से लागू हुआ था, इसका जो उत्तर होगा 2005 ईस्वी से भारत में अर्थ शोधन निवारण, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये 2002 में संसद में पारित हुआ था और 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हो गया था। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है, तो उत्तर जो हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय, व्यापार संबंधित निवेश उपाय जो है वो ट्रिम्स से संबंधित है। बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरों राज्यों की तुलना में है, दूसरों राज्यों की तुलना में है, देखिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूनतम है, दूसरों राज्य की तुलना में बहुत ही न्यूनतम है, देखिए केरल में सबसे ज़्यादा 0.23 हेक्टेयर है, वहीं बिहार में सिर्फ 0.61 हेक्टेयर है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन होता है, कपास का औसतन उत्पादन होता है, तो देखिए जहाँ काला मिट्टी ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास होता है, देखिए काली मिट्टी जो है गुजरात में पाया जाता है, देखिए गुजरात ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश में कपास औसतन उत्पादन से सर्वाधिक होता है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, कोकोस प्लेट जो है वो किनके मध्य पाई जाती है, देखिए इसका उत्तर होगा मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच कोकोस प्लेट पाई जाती है। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर किया गया था, इस वर्ष देखिए मित्रता संबंधी हस्ताक्षर किया गया था, उत्तर होगा 1995
50 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमरसेन से संबंधित है, अमरसेन से संबंधित है? ये होगा सक्षमता उपागम, जो है प्रोफेसर अमरसेन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन कहा जाता है, विश्व का कहवा पतन कहा जाता है? देखिए कहवा पतन जो है वो सेंटोस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है, कौन सा मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा निर्मित होता है? उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा निर्मित होता है। भारत का कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का कितना योगदान होता है, जल विद्युत का कितना योगदान होता है? देखिए जल विद्युत का सिर्फ 12% ही योगदान होता है। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक डिवाइडेड जो है 1921 को कहा जाता है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र जो है वो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, रबड़ के उत्पादन में कौन अग्रणी है? तो रबड़ में जो है वो केरल राज्य अग्रणी है। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ता है, तो इसका मैंने आप लोग को ट्रिक दिया था, इस साधु का को काम, इस साधु का को काम, तो ई है इलाहाबाद से हल दिया, इस साधु का। देखिए साधु ये, देखिए ये दो है ये तीन है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ई से इलाहाबाद, ह से हल्दिया, सा से साधु सादिया, धू से धुबरी, तो ये दूसरा हो गया, आ कोकोस हो गया कोट्टमपुरम से कोलम, तीन हो गया। देखिए 1 2 3 आप लोग तीनों याद कर चुके हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि देखिए राजस्थान राज्य के खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, खेतरी जगह जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आप लोग एग्जाम में देख सकते हैं, खेतरी जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आज मैंने आप लोग को 50 टॉप प्रश्न दिया है जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।